दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप यह तेजस्वी यादव को उल्टा सीधा बोल रहा था, लालू यादव को उल्टा सीधा बोल रहा था और नीतीश कुमार को कह रहा था अपने गलत गठबंधन कर लिया, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से इसकी फटी पड़ी है। अब यह नीतीश कुमार को जो है पीछे से चमचागिरी कर रहा है और चमचागिरी करने के लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को यह टारगेट कर रहा है। तो आज मैं इसको ऐसा रेलूंगा कि इस भड़वे की 7 पीढ़ी याद रखेगी कि रेलाई का परिभाषा क्या होता है और व्यक्ति सही मायने में कैसे रेलता है। रे भड़वा, तुझको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लालू प्रसाद यादव दो लोग बिहार के सच्चे बेटे हुए जिन्होंने संघियों की चड्डी उतारी। राजेंद्र प्रसाद आपको बता दें कि सरदार पटेल को बुलाते हैं और कहते हैं आरएसएस वाले यह पत्थर मार रहे हैं मुसलमानों का टोपी पहन के हिंदू इलाके में, यह दंगा करवाएंगे, इस पे ध्यान दीजिए। एक बिहार के बेटे वे थे जो आरएसएस के खिलाफ थे और दूसरा बिहार का बेटा लालू प्रसाद यादव जिसने अडवाणी को गिरफ्तार करवा के संघी मानसिकता चड्डी छाप मानसिकता को शिकस्त दिया था। और यही है इसके दुश्मनी का कारण। यह कह रहा है तेजस्वी यादव को यह मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, यह कह रहा है तेजस्वी यादव जातिवाद करते हैं और मैं जो है कोख चुनने का मुझे अधिकार नहीं है, मैं इस जात में पैदा हो गया तो मुझको टारगेट किया जा रहा है। रे भड़वा, तू ये बता कि कोख चुनने का अधिकार बच्चे को नहीं होता, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन चड्डी पहन के शाखा में जाने का अधिकार तूने चुना कि नहीं चुना? और तूने चुना तो तूने दिखा दिया कि तू नफरतवादी मानसिकता का है, तू हिंदू मुस्लिम करने वाला है, तू गोडसे का नाजायज औलाद है, तू माफी वीर सावरकर के विचारधारा पे चलने वाला है, तू नफरती गोलवालकर के विचारधारा पे चलने वाला है। तो तू जो है बिहार की धरती पे पैदा होके, जो राजेंद्र प्रसाद की धरती, जो लालू प्रसाद की धरती, जो बुद्ध और महावीर की धरती है, उस धरती पे पैदा होके और तुम चाह रहे हो हिंदू मुस्लिम और जातिवादी नफरत फैले। बेटा, तुम जाके शाखा का ज्ञान भले लिए होगे, जहां तुम्हारे शाखा का ज्ञान समाप्त होता है ना, बिहारियों का ज्ञान वहां से शुरू होता है। और इस भड़वे को मैं कहूंगा कि तू कसम खाना है तो अपने माँ का खा, अपने बाप का खा, तू सर पे हाथ रख के तू अपना कसम खा, खबरदार जो तूने बिहार का कसम खाया। साले पढ़ने का ना लिखने का, जब स्कूल जाते थे तो विद्या कसम, माई कसम, बाप कसम, जो लोग कसम खाते हैं वे बहुत झूठे होते हैं। आपको बता दें ईसाइयों में 100 जाति है, 100 जाति एक क्विकर जाति के ईसाई है, वो बाइबल पे हाथ रख के कसम नहीं खाते, वो बोलते हैं कि अगर मुझे झूठ बोलना है कोर्ट में तो बाइबल पे हाथ रख के कसम खा के भी मैं झूठ बोलूंगा। हम लोग झूठ नहीं बोलते, सच बोलते, कसम खाने की परंपरा हमारे अंदर नहीं है। लेकिन ये भड़वा, कभी मंदिर के पास जाके खाएगा कसम कि आयांश का पैसा नहीं मारा हूं, कभी कसम ऐसे खा के बोलेगा कि बिहार का कसम, सुन बिहार का कसम मत खा बेटा, अपने माँ का कसम, अपने बाप का कसम, विद्या कसम, तू अपना कसम, तू अपने चैनल का कसम, यह कसम खा, बिहार को कसम, बिहार के कसम खाने की जरूरत नहीं है। और तू कह रहा है मैं बिहारियों को आवाज उठाने आया हूं। तू चेन्नई में जाके ट्रेन में जब बिहारी भरे पड़े थे, तू केंद्र सरकार से सवाल क्यों नहीं किया कि रेल मंत्रालय किसके अंदर आता है? उस वक्त तुझे लालू यादव और तेजस्वी यादव दिख रहे थे और 15 साल से जब सरकार थी डबल इंजन की, तो बिहार में क्या विकास हुआ? उस वक्त तेरा भड़वापन उस वक्त क्यों शुरू कर दिया था कि यह काम हो रहा है, फला काम हो रहा है, ढेकाना काम हो रहा है? और यह कह रहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। बेटा सुन, तू जहां रहता है ना, उस एरिया का विधायक तेरे खिलाफ लड़के जीता तो तू चाह रहा था वो विधायक ना बने, लेकिन वो विधायक बन गया। तू एक ग्राम प्रधानी, तू ग्राम प्रधानी मतलब जो मुखियाई के चुनाव होला बिहार में, मुखियाई के चुनाव में ते खड़ा होबे तो ते सलाहार जइबे आ ते जेकरा के सपोर्ट करबे ऊ हारी, तोरा विरोध कैला से एगो मुखिया ना बनियन। आज जोन बात चैनल के बल पर बहुत ज्यादा उड़ा मत बबुआ, एक से एक धारा अले, अमिताभ बच्चन अले, आ एक से एक बड़ा धारा अले कि हम बदल दे, राजनीति सबके बस के बात ना होला। अब तू जोन समझता रहा, मैं भोजपुरी बोलने लगा, मैं आता हूँ हिंदी में दोस्तों, ज्यादातर दर्शक हमारे हिंदी हैं, तो बता दूं कि यह अपने आप को सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा तीर मार लूंगा, मैं बिहार का सीएम बन जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। अरे यार, वो चींटी कहीं ना, चींटी जो है चींटी कहेगी कि हम हाथी के ऊपर बैठ जाएंगे ना तो हाथी जमीन पे बैठ जाएगी।
तो क्या चींटी हाथी के ऊपर बैठने से हाथी जमीन पे बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी। तेरा औकात एक चींटी जैसा है। गांव के मुखिया का चुनाव तू नहीं जीत सकता, विधायकी तो दूर का बात है, तू एक विधायक को खिलाफ करके नहीं हरा सकता। और तू चला है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के। मैं गिरफ्तारी दूंगा। इसका पूरी तरह से फट गया है, फट के फ्लाईओवर हो गया है। अगर नहीं फटा होता तो यह नीतीश कुमार को गाली देता, योगी आदित्यनाथ का जाके पेपर दिखा के बड़ाई करके और नीतीश को नीचा दिखाता है। यह तो है नीतीश कुमार को डायरेक्ट उल्टा सीधा बोलता अगर इसका फट के फ्लाईओवर नहीं हुआ होता तो। लेकिन फट के फ्लाईओवर हो गया है और इसके वजह से अब यह नीतीश कुमार जी का चाटुकारिता कर रहा है एक एंगल से, और दूसरे एंगल से तेजस्वी यादव को गाली दे रहा है। इन संधियों का यही आदत है, यह इनकी यही आदत है कि एक को टारगेट करके दूसरे को सहलाओ और फिर समय आने पे उसके पीठ पे भी छुरा मार दो। तो यह मैं नीतीश कुमार को कह दूं कि एक ना एक दिन यह जो है इसके बातों में आए तो आपके ऊपर भी जो है यह ऐसी ही टिक्का टिप्पणी करेगा। इस यूट्यूबर को, पत्रकार नहीं, क्योंकि 11 टॉप में जाके देखिए लिखा है मनीष कश्यप यूट्यूबर, तो इस यूट्यूबर पे लगाम लगाइए, इसके ऊपर यूएपीए लगा के इसको जेल में सड़ाइए 2-3 साल, ताकि निकले तो इसकी बुद्धि खुल जाए कि बिहार को जातिवाद हिंदू मुस्लिम में बांटने का परिणाम क्या होता है।